अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू नज़ा व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह ताला आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करें, आमीन। तो जी इसी दुआ के साथ अपना व्लॉग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ अंडे का सालन और साथ ही दूध बॉयल हो रहा है। सुबह का टाइम है तो मैंने कहा जल्दी से जो है नाश्ते में बच्चों के लिए अंडे का सालन बना लेती हूँ, साथ दूध बॉयल करके बनाऊंगी चाय। तो जी बात करते हैं मैडम जी पर। और मैडम जी है जो शुक्र अल्लाह का कि ज़िंदगी की तरफ वापस लौट आई हैं, क्योंकि उनके हस्बैंड ने लिखा हुआ था जी भाई साहब ने थंबनेल पे के अल्लाह का शुक्र है मेरी बीवी ज़िंदगी की तरफ लौट आई है। और जब मैंने वीडियो खोली तो वो दही भले खा रही थी खुश होकर, तो मुझे लगता है कि शायद दही भले खा के वो ज़िंदगी की तरफ वापस लौट आई है। और मुझे समझ नहीं आ रहा, समझ से बाहर है कि एक दही भले की प्लेट और एक बिरयानी की प्लेट और जो फ्रूट चाट की प्लेट के पीछे इंसान अपने बच्चे कैसे छोड़ सकता है, ये तो मुझे हैरानगी हो रही है। और साथ मेरी बेटी जो है बैठी बातें सुन के हंस रही है कि ये जो वो भी साबरा की वीडियोस देखती है। तो मैं ऐसी औरतों को भी जानती हूँ जो कि घरों में काम करती हैं और उनके हस्बैंड जो है वो सही से कमाते भी नहीं हैं, ऊपर से उल्टा उनको मारते भी हैं, नशा भी करते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों की खातिर जो है ना उस वैसे शोहर को भी नहीं छोड़ती। तो अब दो दिन तो बहुत ही ज़्यादा रोना धोना हुआ है, अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि वो सच्ची में रोना धोना था कि नहीं था, लेकिन रोई तो बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है कि जब इनके चैनल पर जो व्यूज़ कम होते हैं तो महीने बाद जो या डेढ़ महीने बाद इनको बच्चों की इंतहाई याद आती है, तो फिर वो एक दिन बाद या दो दिन बाद वो याद ऐसे गायब होती है जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाते हैं। तो मैं जो भी बात करती हूँ ना वीडियो से रिलेटेड बात करती हूँ, आप मेरी पिछली वीडियोस में भी जाके देख सकते हैं कि मैंने कभी किसी का उल्टा नाम नहीं लिया, कभी किसी को जो होते हैं ना गाली गलोच या किसी ऐसे तरीके से बात नहीं की, हमेशा जो है सेंसिबल तरीके से और अच्छे वर्ड्स में जो है बात करती हूँ, क्योंकि रिएक्शन अच्छे अल्फाज में भी दिया जा सकता है। और मैं कुछ लोगों के रिएक्शन चैनल भी देखती हूँ जो गालम गलोच और पर्सनल चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। और मैं एक और वीडियो देख रही थी, वहाँ पर लिखा जी सास ने बहू को बेटी जैसा प्यार दिया, और जब मैंने वीडियो ऑन किया तो बस सास भी एक प्लेट में जो है मीठे चावल खा रही थी, उसमें से एक जो है नारियल का टुकड़ा मैडम जी ने उठा के खाया और थोड़ा सा उसने बचे हुए चावल दिए, और मुझे कहीं पे भी वो प्यार नज़र नहीं आया। पता नहीं, अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि शायद किया हो तो मुझे पता ना चला हो। उसी टाइम रो रो के तो जब डॉक्टर के पास गई हैं तो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश नज़र आ रही थी। और हो सकता है आज आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी फ़नी लगी, क्योंकि मैंने इसमें दो चार फ़नी बातें भी कर ली हैं। तो यहाँ पर जी हमारी बिरयानी बन गई है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी बिरयानी बनी थी, और साथ मैंने दही का जो रायता बनाया उसमें मैंने जो है हरा धनिया और हरे मिर्चों की चटनी बना के डाली है। और शोर को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है मेरे जो बेबीज़ हैं वो बहुत छोटे छोटे से हैं, तो फिर वीडियो जब बनाती हूँ तो पास बैठ के खेल रहे होते हैं, कभी लड़ रहे होते हैं, कभी शोर मचा रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम पी रहे थे कोल्ड कॉफ़ी, और जी जिसने पीनी है आ जाए हमारे साथ, आप भी कोल्ड कॉफ़ी पी लें, बहुत ही ज़्यादा मज़े की थी, साथ आइसक्रीम थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ढेर सारा ख्याल रखिएगा।